लगता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई में रूट अंडर 3x प्लस का 4dx, इसमें पुट करते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू में यहाँ पर t, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, तो इधर हो जाएगा 3 इक्वल टू में dt बाई में dx, तो dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा dt और बाई में 3। यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या हुआ, तो t माइनस का 4 और बाई में 3। चलिए भाई ऊपर देखिए, x की जगह पे आ जाएगा t माइनस का 4 बाई 3 का स्क्वायर, और नीचे देखो 3x प्लस 4 को t लिया है तो t का पावर 1 बाई 2, और dx की जगह पे dt और बाई में 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ 1 बाई 3, तो 1 बाई 27 पहले बाहर निकालो, ऊपर बच जाएगा t माइनस 4 का स्क्वायर और बाई में नीचे है आपका t का पावर 1 बाई 2 dt। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 1 बाई 27 इंटीग्रल ऑफ, ऊपर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 8t और प्लस का 16 बाई में t का पावर 1 बाई 2 dt। अब अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 27 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर कितना, t का पावर 3 बाई 2 माइनस 8t का पावर 1 बाई 2 प्लस का 16t का पावर माइनस 1 बाई 2 dt। अब यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रल यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 27 यहाँ आ जाएगा t का पावर 5 बाई 2 बाई 2 5 बाई 2, ठीक है ना जी, माइनस 8t का पावर 3 बाई 2 बाई में 3 बाई 2 और प्लस का 16t का पावर 1 बाई 2 और बाई में 1 बाई 2 है ना, और प्लस में c। चलिए पलट जाएगा अंदर, 1 बाई 27 हो जाएगा 2 बाई 5 टी का पावर 5 बाई 2 माइनस का 16 बाई 3 टी का पावर 3 बाई 2 और प्लस का 32 टी का पावर 1 बाई 2 प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर किसका जी टी का वैल्यू रख देते हैं और साथ में मल्टीप्लाई भी करते हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बाई में 135, टी का वैल्यू कितना था 3x प्लस 4 और पावर में है 5 बाई 2 माइनस, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और बाई में 81 हो जाएगा, और टी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 3x प्लस 4 का पावर 3 बाई 2 प्लस का, इसमें से मल्टी 32 और बाई में 27 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 का पावर 1 बाई 2 और प्लस में सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में